तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, जो कि मिनी रतन पीएससी के कैटेगरी में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीडीएल में सिविल इंजीनियर वालों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ये जॉब आपकी परमानेंट रहने वाली है और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 9 लाख पर एनम, यानी कि सालाना 9 लाख ये आपका सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो, आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा और कैसे कहां से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगे। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज, ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक सभी चीज़ के प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे ऊपर में करियर्स लिखा हुआ मिलता है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जितने भी रिक्रूटमेंट है ना, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट ऑफ GM HR, DGM, SM मैनेजर, DM असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल, ये वाला जो है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। फिर आपके सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है वो यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि मिनी रतन कैटेगरी के PSU में आती है। तो बात करें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको ऑफलाइन मोड से भी क्या करना है कि उस फॉर्म को वहाँ पे भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई करने का जो स्टार्ट डेट है वो 16 जुलाई है, तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब ये स्टार्ट होगा आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं वापस से आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने का, वो है आपका 16 अगस्त रात को 11 बजे तक, ठीक है। चलिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्टी जनरल मैनेजर इन सिविल, सीनियर मैनेजर इन सिविल, डिप्टी मैनेजर इन सिविल, ये Grade 3 है, और ये ऊपर वाला जो था ये Grade 6 का था, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल, ये सब पोस्ट आप लोग के लिए निकल के आ रही है। अब यहाँ पे मिनिमम सैलरी आप देख सकते हो, मैं CTC बता देता हूँ, पे स्केल की बात नहीं करता हूँ। अगर डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे 22.93 लाख रहने वाला है। सीनियर मैनेजर सिविल Grade 5 के तहत अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपका सैलरी यहाँ पे 20.10 लाख रहने वाला है सालाना। डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे 14.44 और असिस्टेंट मैनेजर सिविल वालों के लिए यहाँ पे आपका 11.61, यानी कि तकरीबन 12 लाख पर एनम आपका यहाँ पे सैलरी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे रखा गया है 28 साल, जो कि मैक्सिमम मांगा गया है आपसे। डिप्टी मैनेजर सिविल वालों के लिए यहाँ पे आप देख लो 35 रखा गया है, सीनियर मैनेजर के लिए 45 और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे 50 रखा गया है। OBC वालों को यहाँ पे 3 साल का मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, और SC ST वालों को 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ये एज के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपका 10/6/2022, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे किस भी सिविल डिपार्टमेंट में किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको सबके लिए आपका यहाँ पे होना चाहिए डिग्री, ठीक है। आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, यानी कि BE BTech आपका होना चाहिए, या आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया और कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपका ये डिग्री होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे एक एक्सपीरियंस के लिए, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे कम एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा गया है असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल के लिए 2 साल का, उसके बाद डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का, सीनियर मैनेजर के लिए 9 ईयर्स का और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे 14 ईयर्स का। आपका जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड लेवल होटल, रोड्स, फायर हाइड्रेंट लाइंस,
रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सिविल मेंटेनेंस वर्क, इन सब में अगर आपका ये एक्सपीरियंस है, चाहे वो 2 साल का, 5 साल का, जो भी हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो क्वालिफिकेशन है ना, आपका जो डिग्री किया हुआ है उसमें आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अगर आप अनडिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो, और 55% मार्क्स चाहिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, सैलरी की बात मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी है, आप लोग उसको देख सकते हो। उसके बाद जिन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया है डिप्लोमा करने के बाद, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरा डिटेल्स वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये 2 नंबर वाला देख लो, आपका जो टोटल यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस्ड पे ही होगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होना है। ये साफ साफ यहाँ पे इस 2 नंबर पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग पर्क्स एंड पे की, तो आपको जो बेसिक पे है वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको डीए एचआरए पर्क्स एट द रेट 33% बेसिक पे का, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गई, ग्रेचुटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, पीएफ, ये सब आपका एक्स्ट्रा पर्क्स एंड बेनिफिट्स में रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जनरल वाले हो तो, या ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गए तो। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मैन, एक्स सर्विस मैन, ये सब है, इंटरनल एम्प्लॉयज़ है, तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी यहाँ पे मेंशन है। अब अप्लाई कैसे करना है तो देख लो, यहाँ पे आपको ये हाइपरलिंक वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसी पे क्लिक करते हो तो आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये अभी खुला नहीं है, 16 जुलाई से ये खुलने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अपना बायोडाटा परफॉर्मा आपको वो एनेक्सर वन में मिल जाएगा वेबसाइट से, उसको क्या करना है डाउनलोड करके, उसको भर के, उससे रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको एक एनवेलप के अंदर में डाल के आपको भेज देने हैं। ठीक है, इस एड्रेस पे, यहाँ पे देखिए ये एड्रेस लिखा हुआ है, और ये जो एनवेलप है ये आपका पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे लेटेस्ट बाय 23 अगस्त तक। ठीक है, इस डेट के बाद अगर पहुँचेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो आप एनवेलप भेजोगे उस एनवेलप के ऊपर में बोल्ड लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जरूर लिखिएगा, और जितने भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो आप भेज रहे हो उन सबके पीछे में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वो जरूर लिखा होना चाहिए, ताकि वो मिसप्लेस हो जाए तो वो लोग उसको सही जगह पे कर सके। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने का 16 अगस्त और हार्ड कॉपी पहुँचने का वहाँ पे लास्ट डेट है 23 अगस्त। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सभी चीज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। वीडियो का पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं, तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा।